हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास एंड वेलकम यू टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे, ये उसी का पार्ट सेकेंड है। इस वीडियो में हम उससे आगे रूल्स पढ़ेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे अपने YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पहला रूल देखते हैं, मोर देन वन प्लस नाउन। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, और अगर स्ट्रक्चर इस तरह हो, मोर प्लस नाउन उसके बाद देन वन हो, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आप एग्जाम्पल देखिए ताकि अच्छे से समझ सके। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोर देन वन टाइपिस्ट आर नीडेड फॉर आर ऑफिस। अब यहाँ पे मोर देन वन का यूज है, उसके बाद टाइपिस्ट नाउन है। मोर देन वन के बाद जो नाउन होगी वो भी सिंगुलर होगी, और उसके बाद जो वर्ब का यूज होगा वो भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे आर प्लूरल है जो कि रॉन्ग है, तो इसकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, मोर देन वन टाइपिस्ट इज नीडिड फॉर आर ऑफिस। हमारे ऑफिस के लिए एक से अधिक टाइपिस्ट की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोर बॉयज देन वन वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पे मोर उसके बाद बॉयज नाउन है, उसके बाद देन वन, तो इसके बाद जो वर्ब का यूज होगा वो होगी प्लूरल वर्ब। अगर मोर देन वन के बाद नाउन है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और मोर के बाद नाउन फिर उसके बाद देन वन है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे जो वोज है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, मोर बॉयज देन वन वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। एक से अधिक लड़के मीटिंग में उपस्थित थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और मोर देन के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोर देन वन वर्कर वर अब्सेंट टुडे। अब यहाँ पे मोर देन है, इसके बाद वर्कर सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो वर्क की जगह वोज का यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, मोर देन वन वर्कर वोज अब्सेंट टुडे। यहाँ पे इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, मोर देन के बाद वन वर्कर यानी सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मोर देन फाइव वर्कर्स वॉज अब्सेंट टुडे। अब यहाँ पे मोर देन के बाद फाइव वर्कर्स यानी प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है तो जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, तो यहाँ वॉज की जगह हम यूज करेंगे वर्ब। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, मोर देन फाइव वर्कर्स वर अब्सेंट टुडे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोर देन के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और मोर देन के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेपोजिशन के दोनों ओर एक ही नाउन हो या कोई भी नाउन का रेपिटेशन हो प्रेपोजिशन के बाद, तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और जो यहाँ पे जो नाउन होंगी, जो नाउन रिपीट हुई है वो भी सिंगुलर होगी। तो आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, विलेजेज आफ्टर विलेजेज वर सर्च्ड। तो यहाँ पे विलेजेज, फिर यहाँ पे प्रेपोजिशन है और विलेजेज, यानी एक ही नाउन दो बार रिपीट हुई है प्रेपोजिशन के बाद, तो यहाँ पे ये जो नाउन होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी, तो विलेजेज की जगह हो जाएगा विलेज। विलेज आफ्टर विलेज, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी, तो वर्ब की जगह हम वॉज का यूज करेंगे। करेक्ट सेंटेंस होगा, विलेज आफ्टर विलेज वॉज सर्च्ड। विलेजेज है उसका विलेज कर दिया, सिंगुलर नाउन होगी, और आगे जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, शिप्स आफ्टर शिप्स वॉज डिस्ट्रॉय। जहाज के बाद जहाज को नष्ट किया गया, तो यहाँ पे शिप्स प्लूरल है और यहाँ पे भी शिप्स प्लूरल है, प्रेपोजिशन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो नाउन है ये सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे जो एस है उसको हम हटा देंगे, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी,
वोज यहाँ पे ऑलरेडी सिंगुलर है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा शिप आफ्टर शिप वॉज डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे जो शिप है इसको हम सिंगुलर कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है मैनी के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है और जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज होता है, और मैनी ए या एन का यूज हो तो उसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज होगा और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैनी बॉय हैज कम टू विजिट द ताजमहल टूडे। तो यहाँ पे मैनी का यूज है, मैनी के बाद नाउन है बॉय जो कि सिंगुलर है, रॉन्ग है। मैनी के बाद जो नाउन है वो भी प्लूरल होनी चाहिए और उसके बाद जो वर्ब का यूज होगा वो भी प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पे बॉय की जगह बॉयज का यूज करेंगे और हैज की जगह प्लूरल हैव का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा मैनी बॉयज हैव कम टू विजिट द ताजमहल टूडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनी ए बॉय हैव कम टू विजिट द ताजमहल टूडे। अब यहाँ मैनी की जगह अगर मैनी ए होता तो इसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर, तो बॉय ऑलरेडी सिंगुलर है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद जो वर्ब है हैव, ये प्लूरल है बट होनी चाहिए सिंगुलर वर्ब। मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा मैनी ए बॉय हैज कम टू विजिट द ताजमहल। हैव का जो सिंगुलर है हैज में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है वन नो वन सम वन एनी वन एवरी वन एवरीबडी एनीबडी समबडी नोबडी ईच और एवरी। अगर ये सब्जेक्ट हो तो इनके बाद जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इनके बाद सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। आप एग्जांपल देखिए समवन हैव स्टोलन माय बुक, किसी ने मेरी बुक चुरा ली है। तो यहाँ पे समवन है सब्जेक्ट तो इसके बाद हैव प्लूरल वर्ब है जो कि रॉन्ग है, इसकी जगह हम हैज का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा समवन हैज स्टोलन माय बुक, किसी ने मेरी बुक चुरा ली है। तो समवन के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एवरी डॉग हैव देयर डे। इस सेंटेंस में एवरी का यूज है और यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब है, इसको हम सिंगुलर करेंगे और आगे जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो देयर की जगह हम यूज करेंगे इट्स और हैव की जगह हैज का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा एवरी डॉग हैज इट्स डे। यहाँ एवरी डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब और इसके लिए जो प्रोनाउन आया है वो भी सिंगुलर होगा इट्स। एवरी डॉग हैज इट्स डे। एक हिंदी में प्रोवर्ब होती है, कहावत होती है कि हर किसी के दिन आते हैं, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर किसी के दिन आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है नथिंग बट, उसके बाद चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो बट उसके बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। नथिंग बट के बाद चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो बट जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए नथिंग बट बॉयज आर सेलेक्टेड। अब यहाँ पे नथिंग बट है, इसके बाद बॉयज प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल दी हुई है जो कि रॉन्ग है। नथिंग बट के बाद नाउन चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। तो यहाँ इस आर की जगह इसका यूज करेंगे। इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा नथिंग बट बॉयज इज सेलेक्टेड। आई होप आपको समझ में होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नथिंग बट हिल आर सीन। अब यहाँ पे नथिंग बट है, इसके बाद नाउन है, हिल सिंगुलर नाउन है और इसके बाद जो वर्ब है वो प्लूरल है, तो आर की जगह हम इज का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा नथिंग बट हिल इज सीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नथिंग बट के बाद चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है जब किसी सब्जेक्ट को वर्ब से कोई रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हु विच दैट। तो जो वर्ब है वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगी। एंटीसीडेंट क्या होता है? उस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। आप एग्जांपल देखिए ताकि अच्छे से समझ जाएं। एग्जांपल दिया हुआ है इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वॉज टेकन केयर ऑफ बाय मी। अब यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज है, इसके बाद वर्ब है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो इस
प्रोनाउन के जस्ट पहले जो वर्ड है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। तो दैट से पहले है प्रॉब्लम्स जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल यूज होगी, तो वोज की जगह हम वर्ब का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वन ऑफ द प्रॉब्लम, वन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब नहीं लगा सकते, वो रॉन्ग होगा। इसका जो एंटीसीडेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो प्रॉब्लम्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वर टेकन केयर ऑफ बाय मी। तो यहाँ प्रॉब्लम्स की वजह से हमने वर्ड को वर्ब में चेंज कर दिया। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, इट इज आई हु इज गोइंग टू टीच यू ग्रामर। अब यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद वर्ब है इज। ये किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? इसके जस्ट पहले जो आता है आई, प्रोनाउन है ये, इसका एंटीसीडेंट है, तो आई के अकॉर्डिंग आई के साथ इज का यूज ना करके हम यूज करते हैं एम। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, इट इज आई हु एम गोइंग टू टीच यू ग्रामर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसके बाद वर्ब का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है, जब कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो तो उसके बाद जो वर्ब का यूज होगा वो होगा उसके बाद जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दिया हुआ है, देयर आर ए मैन इन द रूम। अब यहाँ पे देयर का यूज है, उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब आएगी इसके बाद जो सब्जेक्ट है या नाउन है इसके अकॉर्डिंग। तो ए मैन ये सिंगुलर है, तो जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, तो आर की जगह हम यूज करेंगे इज। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, देयर इज ए मैन इन द रूम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, देयर इज 20 गर्ल्स इन द क्लास। अब यहाँ पे देयर का यूज है, उसके बाद वर्ब है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है 20 गर्ल्स यानी प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, देयर आर 20 गर्ल्स इन द क्लास। तो देयर के बाद जो वर्ब का यूज होगा वो उसके बाद जो सब्जेक्ट आया है उसी के अकॉर्डिंग होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नोर, इनसे कनेक्टेड हो तो जो वर्ब का यूज होगा वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो अदर मोनूमेंट्स इज वर्थ सीइंग। ना केवल ताजमहल बल्कि अन्य स्मारक भी देखने योग्य हैं। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, ताजमहल और अदर मोनूमेंट्स, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो से कनेक्टेड है। तो बट ऑल्सो के बाद ये सेकेंड सब्जेक्ट है, तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा। तो सेकेंड सब्जेक्ट अदर मोनूमेंट्स प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, तो इज की जगह हम यूज करेंगे आर। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो अदर मोनूमेंट्स आर वर्थ सीइंग। यहाँ पे आर का यूज होगा, अदर मोनूमेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, यू और ही आर टू गो नाउ। तुम्हें या उसे अभी जाना है। तो अब यहाँ पे यू हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट और ही हो गया सेकंड सब्जेक्ट, ये और से कनेक्टेड है, और से कनेक्टेड हो तो आगे जो वर्ब का यूज होगा वो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सेकेंड सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ यहाँ पे आर का यूज है जो कि रॉन्ग है, तो इसकी जगह हम यूज करेंगे इज। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, यू और ही इज टू गो नाउ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, लाइक, एक्सेप्ट, बिसाइड्स एंड नॉट। अगर इनसे दो सब्जेक्ट कनेक्ट हैं तो जो आगे वर्ब का यूज होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोहित एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट, रोहित फर्स्ट सब्जेक्ट और हिज फ्रेंड हो गया सेकंड सब्जेक्ट, और ये कनेक्टेड है एंड नॉट से, तो आगे जो वर्ब का यूज होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट है रोहित जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब की जगह वॉज का यूज होगा, और इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, रोहित एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट देयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, द पैरट लाइक अदर बर्ड्स हैव विंग्स।
अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, द पैरेट और अदर बर्ड्स, और ये कनेक्टेड है लाइक से, और जब लाइक से कनेक्ट होते हैं तो आगे जो वर्ब का यूज होगा वो होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट सब्जेक्ट है द पैरेट जो कि सिंगुलर है, तो हैव की जगह हम सिंगुलर हैज का यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द पैरेट लाइक अदर बर्ड्स हैज विंग्स। जो पैरेट होता है तोता, उसको दूसरे बर्ड्स की तरह ही पंख होते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो या जिरंड हो। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब। टू प्लस वर्ब की जो फॉर्म होती है वो होती है इन्फिनेटिव, और जिरंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी। इन्फिनेटिव और जिरंड पे मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इन्फिनेटिव या जिरंड हो तो उसके बाद जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, स्विमिंग इज या आर गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे इज का यूज होगा या आर का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो स्विमिंग, स्विम वर्ब है, उसमें आई एन जी है स्विमिंग, जेरेंड का यूज है, तो इसके बाद जो वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर, तो यहाँ आर का यूज ना होके इज का यूज होगा, और इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, टू स्विम इज या आर ए गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का यूज है, और ये सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, तो यहाँ पे आर का यूज ना होके इज का यूज होगा, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। तो आई होप आपको ये सभी रूल समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।